रीडू हेयर ट्रांसप्लांट यानी करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट अगर हमें करना ही पड़ता है, अब किस केस में करना पड़ता है, जहाँ एक नॉन आर्टिस्ट डॉक्टर से बाल लगवा लिया, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है? एक तो दूर दूर करके लगा दियो, दूसरा गलत डायरेक्शन में लगा दिया, और तीसरा गलत जगह पे लगा दिया। अगर गलत जगह लगा है वहाँ से तो सीधा हटा देने का। लालच करके कई बार लोग यहाँ यहाँ तक बाल लगवा लेते हैं, जैसे शादी की दुल्हन की बिंदियाँ लगी हों, वहाँ आदमी लोगों के बाल नहीं होते। कभी रेफरेंस चाहिए हो सीधा जाके ऋतिक रोशन की फ़ोटो देख लो, उससे नीचे हेयरलाइन करा के क्या करोगे? ठीक है, एक तो गलत जगह पे लगाए हुए को तो सीधा निकाल के सही जगह पे इस्तेमाल करें, दूसरा अगर बहुत ही ज़्यादा गलत डायरेक्शन है यानी पूरा ही उबड़ खाबड़ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया है बाल, उस केस में भी खासतौर से अगर हेयरलाइन में है तो उन ग्राफ्ट्स को निकालना होता है ताकि ढंग से उनको किसी और जगह लगाए और बाद में जब ये हील हो जाए तो यहाँ सही से बाल लगाए। अब तीसरा कि जी दूर दूर बाल लगे, चलो डायरेक्शन तो मैनेजेबल है, हाँ वो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा आसान होती है, फिर चाहे आगे उन्होंने दो तीन बाल भी लगा दिए हों गुच्छे, जब तक के बहुत नीचे ना लगाए हों, तो उसके बीच में और उससे एक लाइन आगे हम अच्छी डेंसिटी पे सही डायरेक्शन एंगल के हिसाब से बाल लगा सकते हैं, ताकि वो जो अजीब सा दिख रहा है ये बाल लगाए ये बाल लगाए वो पूरा भर जाए और नेचुरल लुक आए। ऐसे बहुत रिजल्ट भी मिलेंगे आपको हमारे वेबसाइट पे, देखिए। और अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन है या आपके किसी दोस्त का, उसको ये जानकारी दीजिए, ये शेयर करो, ये वाला वीडियो बहुत लोगों के काम आएगा। कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो फोटोग्राफ के साथ मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी करो। शुक्रिया।